अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ईसा ने इशारा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आज चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने वाले कानून पर कार्रवाई मुकम्मल कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों के एक सेट पर आज कार्रवाई मुकम्मल कर सकती है। उन्होंने ये रिमार्क ऐसे वक्त दिए जब फुल कोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दरख्वास्तों को दोबारा समाअत शुरू की, जिसमें अदालत के 3 सीनियर जजों की कमेटी के जरिए अवामी अहमियत के आइनी मामलों पर बेंचों की तश्कील की ज़रूरत। पिछली बार की तरह समाअत टेलीविज़न पर बराज नशर की जा रही है। चीफ जस्टिस ईसा की सरबराही में बेंच में जस्टिस अर्द तारिक मसूद, जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर शामिल हैं। एक पेशी इकदाम में सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अप्रैल में हुकूमत को इस बिल पर अमल दरामद करने से रोक दिया था, जिसमें कानून बनने के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई थी।